हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ढाबा स्टाइल अंडा कढ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये क्विक रेसिपी है, इसे बनाना इतना आसान है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके भी घर में इसी तरह के अंडा कढ़ी बनके तैयार होने वाले हैं। तो चलिए हम फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। अंडा कढ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे अंडा लिया है, अंडा उबाल के छील रखा है। अब हम अंडे में कट लगाएंगे, तो एक नाइफ की मदद से अंडे में 2 से 4 5 कट लगा दीजिए। इससे क्या होता है, अंडा जब हम ग्रेवी में डालते हैं तो इसमें रस अंदर तक जाता है और इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो हम सभी अंडे में कट लगा ले रहे हैं। हमने सभी अंडे में कट लगा लिया है, अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन में हम डालेंगे चुटकी भर हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और चुटकी भर हम नमक भी डाल देंगे। अंडे को हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। इससे क्या होता है, अंदर तक अपना अंडा अच्छे से स्पाइसी होता है और फ्राई करने में भी अच्छा दिखता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से अपना हल्दी मिर्च नमक में अंडा लिपट गया है। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। हमने गैस पे एक कढ़ाही ले लिया है, कढ़ाही में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है, तभी हम उसमें अंडा छोड़ेंगे। आप कभी भी अंडा फ्राई कीजिए तो तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद डालिए, नहीं तो कढ़ाही में अंडा चिपकने लगता है। आप देख सकते हैं अपना तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम हैंडल पकड़ के इसको चारों तरफ ऐसे फैला देंगे, क्योंकि हम जब अंडा को डालें तो अंडा तले में चिपके नहीं। फ्लेम को हम स्लो कर लेंगे तब हम अंडा डालेंगे, नहीं तो तेल के छींटे काफी उड़ते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स आप ध्यान में रखिए। हम एक एक अंडा तेल में ऐसे डाल देंगे, तो आप देख सकते हैं जब मैं अंडा डाली तो थोड़ा भी तेल का छींटा नहीं आया। इसी टिप्स के साथ हम आज के अंडा कढ़ी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक साइड से अपना अंडा जो है फ्राई होना शुरू कर दिया है, यानी कि इसका कलर चेंज होने लगा है। हम कलछी की मदद से इसे उलट पलट के चारों तरफ से ब्राउन करेंगे। आप देख सकते हैं अपना अंडा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब चलिए हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 बड़े प्याज को काट लिया है, 2 टमाटर को काट के रख लिया है, 1 इंच अदरक के टुकड़े को छील के साफ कर लिया है, 12 से 15 कली हम लहसुन ले लेंगे, लाल मिर्च है यानी कि हरी मिर्च है ये पक चुका है, लाल हो गया है, और यहाँ पे हमने 1 मुट्ठी मूंगफली के दाने का छिलका हटा के ले लिया है, यानी कि रोस्ट किया फिर उसका छिलका हटाया। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को एक मिक्सर जार में ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज वाला मिक्सर जार लिया है। सबसे पहले हम इसमें मूंगफली डाल दे रहे हैं, अदरक लहसुन मिर्च प्याज टमाटर, और सबका हम एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने प्याज लहसुन मिर्च टमाटर का पेस्ट बना लिया है, फाइन पेस्ट बना है, आप देख ले कितना सुंदर दिख रहा है। चलिए हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। हमने कढ़ाई से अंडे निकाल लिए हैं, इसी में हम 1 बड़ा चम्मच और तेल डाल लेंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल में हम डालेंगे छोटे छोटे 4-5 तेज पत्ती, 4 से 5 लौंग और जीरा। ध्यान रहे ग्रेवी तैयार होने के बाद हम लौंग को निकाल लेंगे, नहीं तो मुंह में कड़वा टेस्ट आता है, पर मसाले में इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, इसके लिए हमने डाला है। फोरन को हम मीडियम फ्लेम पे तड़काएंगे, तभी अच्छे से ये तड़कता है, नहीं तो फटाक से जल जाता है, इसका कोई फ्लेवर नहीं आता है अपने तेल में। अब ध्यान से देखिए अपनी तड़का से चटकने की आवाज आने लगी है। अब हम इसमें जो ग्रेवी पीस के रखे हैं उसे डाल देंगे। अब हमारे मिक्सर में जो थोड़ा बहुत मसाला बचा है उसको पानी डाल के हल्का सा, और उसे भी इसमें डाल देंगे, और हम ग्रेवी को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। ध्यान रहे सारा टेस्ट अपनी ग्रेवी में ही आता है। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच पानी डाल के और मिक्सर को घोल लिया है, वो भी पानी डाल दे रहे हैं।
तो ध्यान रहे अगर ग्रेवी पतली रहती है मसाला अपनी तो छींटे उड़ते हैं। इस टाइम में हम इसे कवर करते हुए भूनते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं उबाल आ गया, हमने ऐसे एक थाली से ऐसे कवर कर लिया और 2 से 3 मिनट पर हम चलाते हुए ग्रेवी भूनेंगे। हमने मसाला को कवर करके 2-2 मिनट पे चलाते हुए 10 से 12 मिनट तक भून लिया है। अब चलिए हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिए हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे हम 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहीं पे नमक डाल देंगे तो अपना टमाटर अच्छे से भून जाता है। तो यहाँ पे हम 1.5 चम्मच नमक डाले हैं क्योंकि इसमें हमें पानी भी डालना है। चलिए हम सूखे मसाले भी 2-3 मिनट तक भूनते हैं टमाटर प्याज के साथ। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और जो हमने ये रोस्ट करके बेसन रखा है, ध्यान रहे कच्चा बेसन आप कभी मत डालिए, कढ़ाही में इसे 1 मिनट तक रोस्ट कर लिए, कढ़ाही में इसे 1 मिनट तक रोस्ट करके तब डालिए। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच रोस्टेड बेसन डाल रहे हैं और ढावी जैसा कलर आए इसके लिए हम यहाँ पे 1 इंच फूड कलर डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, हमने केवल कलर के लिए डाला है। चलिए हम बेसन के साथ मसाला थोड़ा देर और भून लेते हैं। आप देख सकते हैं अपना रोस्टेड बेसन था तो बिल्कुल लम्स वगैरह नहीं आया है, अच्छे से मसाले में भून गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो आपको कितनी गाढ़ी रखनी है ग्रेवी उस हिसाब से पानी डालिएगा। कुछ लोग अपने मेंबर के हिसाब से भी डालते हैं, कितने मेंबर है घर में। तो हमने यहाँ पे 1 ग्लास पानी डाला है। अपनी ग्रेवी बहुत ही सुंदर बन चुकी है। अब हम इसमें अंडा डालेंगे जिसे हमने फ्राई करके रखा था, तो हम एक एक अंडा ऐसे छोड़ देंगे। अंडा डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे। दिख रही है ना आपको होटल जैसी ग्रेवी अपनी अंडे में लिपटी हुई, और हमने इतना अच्छा अपना मसाला फ्राई किया था कि इसकी खुशबू हमारे घर में फैल चुकी है। अब हम इसको कवर करके और 4 से 5 मिनट तक अंडे के साथ पका लेंगे। 5 मिनट हो चुका है, चलिए हम कवर हटा के अपना अंडा चेक कर ले रहे हैं। तो चलिए हम फ्लेम को ऑफ कर ले रहे हैं और अपना अंडा चेक कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी अंडा कढ़ी बनके तैयार हुई है, बिल्कुल ढावा स्टाइल। उसकी कलर देखिए, इसकी थिकनेस देखिए। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो चलिए हम प्लेटिंग कर ले रहे हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी अंडा की थिकनेस है, हर अंडे में ग्रेवी लिपटी हुई है और कलर स्वाद तो आप बनाएंगे तो ही पता चलेगा। आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया ढावा स्टाइल अंडा कढ़ी बनाना कितना आसान है। तो इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।